जानू ना तू जाने कैसा है ये आलम कोई न जाने ये क्यों है ये तन्हाई कैसी है ये रुसवाई गुम हो गए तो सबके दिलों की धड़कन ये गाना जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस गाना है। ऐसा कोई बंदा आपको मिलेगा नहीं जिसको ये गाना पता नहीं होगा। ठीक, तो वो लम्हे, वैसे भी बारिश कंटिन्यूसली चालू है यहाँ अकोला सिटी में, महाराष्ट्र में इतनी बारिश हो रही है यहाँ पर, तो मैंने सोचा ये गाना बड़ा ज़रूरी हो गया। ठीक है, और बोलना माही बोलना के बाद हम सीख रहे हैं यहाँ पर। जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ तो आप देखिएगा, जुबिन नौटियाल सर का ये गाना है। जुबिन नौटियाल जी ने ये गाना, मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है, उन्होंने घर पे बैठ के ऐसी प्ले किया है वहाँ पर। ठीक है, पीछे दीवार पर फोटो वोटो लगी हुई और एकदम रॉ। ठीक है, ये तो भी मैं माइक लगा कर रहा हूँ, उन्होंने कुछ भी नहीं लगाया, मतलब उनकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत ही खास। तो आतिफ असलम का एक्चुअल गाना है। ठीक है, आतिफ असलम की मतलब उनकी तो बात ही कुछ और है। तो गाना उन्होंने जल नाम का एक बैंड है जल, उस एल्बम में उन्होंने गाया था उसके लिरिक्स, और फिर महेश भट्ट जी ने उनके साथ वापस गाना वो जहर में, शायद महेश, मुझे पता नहीं डायरेक्टर कौन है, शायद कुछ और है महेश भट्ट जी ने, लेकिन उनको ब्रेक दिया था इतना मुझे याद है, तो शायद आदत में दिया होगा ब्रेक। ठीक है, अब तो आदत सी है मुझे। तो वो है गाना। तो यहाँ पर वो लम्हे के दो लिरिक्स है अलग अलग, एक जो मैं गाया अभी और एक जो मूवी के अंदर है वो अलग लिरिक्स है थोड़े। तो जुबिन नौटियाल सर ने वो गाना जो ओरिजिनल जल का है वो गाया है, वही मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ। थोड़े से शब्द इधर उधर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना है स्ट्रमिंग इस तरह से बजाई है जुबिन सर ने, आप वो वीडियो पहले देख लो, आपको बहुत मजा आएगा, जैसे मैंने उसको कॉपी किया वापस से मूवी की तरह नहीं, मूवी में थोड़ा ज़्यादा डिस्को कर दिया वो गाना। ठीक है, यहाँ पर हाथ में कुछ भी नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक नहीं है। ठीक है, लेकिन पिक पकड़ के मुझे इतनी आदत हो चुकी है कि बगैर पिक पकड़े ही मैं ऐसे इमेजिन करके उसको बजाता हूँ और बराबर से बजता है। ठीक है, तो जाते वक्त मैं ये नाखून का पोर्शन लेता हूँ, ये है ना ऐसे, देखो ऐसे। ठीक है, फर्स्ट फिंगर, और ऊपर आते वक्त ये नाखून का पोर्शन लेता हूँ थंब का। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे होगा, तो इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको इस तरह से। और इसी से मैं चक कर देता हूं इसे, चक चक। तो स्ट्रमिंग पैटर्न ध्यान दीजिएगा, सीख गए आप कैसे बगैर पिक के कैसे बजाना है। आप पिक से भी बजा सकते हैं, आप फर्स्ट फिंगर से बजाओ, आप थंब से बजाओ, थंब से भी बजा, कैसे भी आप चाहो। डाउन अप डाउन अप डाउन, चक 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 डाउन अप डाउन अप डाउन, चक। और सुनने में लगने में ऐसा लग रहा है आसान है, लेकिन एक्चुअली आसान नहीं। जब आप बजाने जाओ मेरे साथ, अगर आप बजाओ गिटार लेके पकड़ो ई माइनर, ठीक है, ई माइनर सिर्फ दो उंगलियां हमें सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, ई माइनर, यहाँ पर मैंने ई माइनर पकड़ लिया, फाइव और फोर्थ, नीचे से फिफ्थ स्ट्रिंग और फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रीट पर, फिफ्थ और फोर्थ को एक साथ दबाना है, बाकी कोई उंगली नहीं है। तो यहाँ पर डाउन अप डाउन अप डाउन, टैप 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 या फिर चक। तो इसका टाइमलाइन समझ लो, डाउन अप डाउन अप वो तो समझ गया आप, डाउन अप डाउन अप डाउन इतना तो याद हो गया, डाउन अप डाउन अप डाउन, लेकिन ये चक कब आता है या फिर टैप, ये है
डाउन अप डाउन डाउन एक दो तीन डाउन अप डाउन डाउन एक दो तीन डाउन अप डाउन डाउन वन टू थ्री 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 समझ गए। थ्री पर मैं चेक कर दो डाउन अप डाउन अप डाउन वन टू थ्री डाउन अप डाउन अप डाउन वन टू थ्री डाउन अप डाउन अप डाउन वन टू थ्री। अब गाना स्टार्ट करो ना मैं जानू। अब उठाते कैसे गाने को, अब जैसे मैं बजा रहा हूं आप कब चालू कब करोगे, तो चालू करना है जैसे ही चक खत्म होता है पहले वाला चक के बाद ना मैं ना से चालू कर रहा हूँ, ठीक है। ओके एक्चुअल गाना शायद वो अलग है, वो लम्हे वो अलग चीज़ है, लेकिन हम ना मैं जानू जैसे चक खत्म हुआ देखो फिर से ना मैं जानू ना मैं जानू ना मैं जानू, तो चक पर ना मैं जानू। जानू पे आपका पहला वाला जो डाउन अप डाउन अप डाउन का वो डाउन आना चाहिए, या तो फिर आप ना मैं यहाँ से चालू करो अगर आपको समझना। अब जैसे देखो ये दो तरह होते हैं, एक तरीका होता है कि पहले आप गिटार चालू कर दो फिर शुरू करो, तो वो ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो आप करो पहले गाना चालू कर दो, तो गाना कैसे चालू करोगे ना मैं जानू और जानू से डाउन अप डाउन अप डाउन टैप वन टू थ्री, ठीक है। अब दूसरा तरीका जो उसमें एक दिक्कत ये है कि आपको सुर नहीं पता कि नहीं तो आप गा रहे ना मैं जानू ना तू जाने, ये सब बकवास हो गया, ये बेसुर हो गया ना, ये सुर का है इसमें। तो पहले ना मैं जानू सुर तो मैच होनी चाहिए, ना तू जाने समझ गए, इस तरह से करना। कैसा है ये आलम, उन्होंने फिल्म में मौसम लिया है, कोई न जाने, ठीक है ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट करते गाना, ठीक है इतना समझ गए। कॉर्ड आपको पता है कैसे बजानी है, ठीक है। ई माइनर तो सीख गए, डी भी पता है, डी बड़ी सिंपल कॉर्ड होती है, सेकंड फ्रीट पर नीचे से थर्ड, ठीक है, और सेकंड फ्रीट पर ही नीचे से फर्स्ट मतलब पहला तार, ठीक है। थर्ड फर्स्ट फिंगर से ये फर्स्ट, बीच का तार छोड़ दो, तीन और एक बीच का तार छोड़ दो, ठीक है। दो पकड़ लिए मैंने ऐसे, हाथ कभी भी ऐसे मत रखा करो, ऐसे रखा करो ताकि हम ठीक से पकड़ पाए। और तीसरी उंगली जो है इससे आप थर्ड फ्रीट पर जाओ, थर्ड फ्रीट पर और नीचे से सेकंड, ठीक है, थर्ड फ्रीट पर नीचे से सेकंड। तो ये हो गया थर्ड, ये हो गया फर्स्ट, और यहाँ पर ला यहाँ पर आपने किया सेकंड, सेकंड स्ट्रिंग पकड़ लिया, सेकंड स्ट्रिंग लेकिन एक दो तीन तीसरे फीट पर, ठीक यहाँ पर। तो अब पूरे तार मत बजाया करो हर बार, गौड़ी म्यूजिक आएगा, ये ऐसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ नीचे के तीन तार, तो क्वालिटी आएगी इसमें से सिर्फ नीचे के। जब आप ई माइनर कर रहे हो तो ऊपर के ही, पूरी गिटार क्यों बजाना खाली, है ना। तो ई माइनर पे सिर्फ ऊपर के तीन तार, डी में सिर्फ नीचे के तीन तार, जब सी बज रहा है तो पूरे तार बजेंगे सी में पूरे। तो सी क्या है, सी कॉर्ड बड़ा मुश्किल है शिफ्ट करना, नीचे से सेकंड फर्स्ट फिट पर, ठीक है, ये सेकंड हो गया, और यहाँ सेकंड फिट पर हर फिट पर एक उंगली है तुम्हारी, ये हो गया सेकंड पर, ये आ गई आपकी फोर्थ पर, ये आ गई आपकी फिफ्थ पर, ठीक है। एक चार पाँच, एक चार और पाँच, अलग अलग फिट पर अलग अलग, इस तरह का ऐसा स्लोप आएगा। अब कॉर्ड समझ गए, ना मैं जानू जानू फिर ई माइनर, ना तू जाने जाने पर डी कॉर्ड, कैसा है ये आलम आलम पर सी कॉर्ड, कोई न जाने जाने पर डी कॉर्ड, बाकी प्लेन चलता है, स्ट्रमिंग चालू है सिर्फ, लेकिन जाने तो ये स्ट्रमिंग चालू रहेगी। देखो ना मैं जानू ना तू जाने, कैसा है ये आलम कोई न जाने।
आगे के कॉर्ड से गए। हर क्यों है ये तन्हाई, तन्हाई पर ई कॉर्ड, ई माइनर। जब भी मैं ई बोल रहा हूँ तो ई माइनर है, ई कैपिटल एम छोटा माने सिर्फ दो उंगलियां, ई माइनर। फिर क्यों है ये तन्हाई, तन्हाई पर। कैसी है ये रुसवाई, रुसवाई पर डी कॉर्ड। गुम हो गए क्यों, खो गए हम, गए पर डी कॉर्ड, गए हम। ओ वो लम्हे, अब जाएगा एक्चुअल स्टांजा, लम्हे पर ई माइनर। वो बातें, बातें पर भी ई माइनर। कोई न जाने, जाने पर डी कॉर्ड। एक कैसी रातें, रातें पर भी डी कॉर्ड। वो बरसाते, बरसाते पर सी कॉर्ड। वो भीगी भीगी यादें, यादें पर डी कॉर्ड। वो भीगी भीगी यादें, आखिरी में यादें पर ए माइनर। और फिर मैंने यहाँ पर किया क्योंकि यहाँ से अंतरा शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ से अंतरा करेंगे तो डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। ये जो चीज है ये है, आपको ध्यान रखना है, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन ए माइनर पर। ए माइनर कॉर्ड कैसी बजानी है, बहुत सिंपल है। ए माइनर बजानी है नीचे से, ये सेकंड स्ट्रिंग, और सेकंड फ्रेट पर हम जाएंगे, सेकंड फिंगर रखेंगे आपकी फोर्थ स्ट्रिंग पर, और यहाँ पर आप रखोगे थर्ड स्ट्रिंग पर, समझ गए। सेकंड फोर्थ एंड थर्ड, सेकंड फर्स्ट फ्रेट पर सेकंड, सेकंड फ्रेट पर फोर्थ एंड थर्ड, एक के नीचे एक, फोर्थ एंड थर्ड ए माइनर। और तार कितने बजाओगे, पहला तार छोड़ दो ऊपर का, नीचे के सब बजाओ, तो ए माइनर अच्छे से बजती है। आप चाहो तो पूरे भी बजा सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि पांच से लेके नीचे के सब। यहां पर मैंने किया, मतलब हमको अभी मेन जो गाना चल रहा था उससे शिफ्ट होना है अंतरा पे, सागर की गहराई से गहरा है मेरा प्यार, तो वो जो है ए माइनर पे हमने किया, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। अब वापस ई माइनर पे जाएंगे, अब यहाँ से चालू करना है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से फिर और बड़ा हो जाएगा गाना, तो हम इसको सेकंड पार्ट में डालते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट सागर की गहराई से करते हैं वो लम्बे, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, अब सेकंड पार्ट आप देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज कितने, बाय।